सिर्फ इंसानों से हौसला अफजाई की उम्मीद करोगे तो ज़रूर मायूस हो जाओगे, लेकिन अपने रब से मदद मांगोगे तो मायूस नहीं होगे। इंसान को अपनी असल ताकत का अंदाज़ा उस वक्त होता है जब ताकतवर बनने के अलावा उसके पास कोई च्वाइस नहीं होती, क्योंकि इंसान ताकतवर जिस्म से नहीं अपनी हिम्मत और हौसलों की वजह से होता है, वरना शेर की बजाय हाथी जंगल का बादशाह होता। अगर कोई आप पर तनकीद करता है तो समझ लेना वो अपने आप को आपसे पीछे समझता है, क्योंकि जीतने वाले की नज़रें आपकी खामियों पर नहीं बल्कि अपनी मंजिलों पर होता है। इसीलिए दूसरों की खामियों पर नज़र रखने की बजाय अपनी खामियां दूर करो। एक बात हमेशा याद रखना, बर्तन साफ करने के लिए बाहर से कम और अंदर से ज़्यादा धोना पड़ता है, इसीलिए अपनी मुसीबतों से भागना और मुश्किलात से मुँह फेरना बंद करो, क्योंकि मुसीबत आने पर ही इंसान की आंखें खुलती हैं। इसलिए मुसीबत से मत घबराएं। किसी ने क्या खूब कहा है, खुशी हासिल करने के लिए काम करोगे तो कभी खुशी नहीं मिलेगी, खुश होकर काम करोगे तो ज़रूर मिलेगी। कुछ नहीं मिलता इस दुनिया में मेहनत के बगैर, अपना साया भी मुझे धूप पे आने के बाद मिला। सही कहते हैं, प्लान के हिसाब से सब कुछ नहीं मिलता, लेकिन अगर प्लान नहीं तो कुछ भी नहीं होगा। ज़िंदगी का सबसे बड़ा कड़वा सच ये है, कुछ पाने के लिए कुछ ना कुछ खोना ज़रूर पड़ेगा। इसलिए अगर आप कामयाब होना चाहते हैं तो ये मत ढूंढें कि लोग कैसे कामयाब हुए, बल्कि ये ढूंढें कि उन्होंने नाकामी के बाद उन्होंने क्या किया। असल सबक कामयाबी पर नहीं नाकामियों से मिलता है। कामयाबी सुबह की तरह होती है, ये मांगने से नहीं बल्कि जागने से मिलती है। ज़िंदगी आसान नहीं, इसलिए खुद को मजबूत बनाना पड़ेगा। सही वक्त कभी नहीं आता, लाना पड़ता है। और मेरी एक बात हमेशा याद रखना, कामयाबी हासिल करने के लिए आपको अकेला आगे बढ़ना पड़ता है। लोग तब आपके साथ आते हैं जब आप कामयाब हो जाते हैं। दोस्तों, दुनिया बेशुमार लोगों से भरी पड़ी है जिनके सामने बड़ी बड़ी मुश्किलात आईं, वो डटे रहे, रुके नहीं, वो हार कर भी हिम्मत नहीं हारी। अगर वो अपने मुश्किल हालात में डट कर मुकाबला कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं? हम अपने आप पर एतमाद क्यों नहीं करते? हम बहुत जल्दी हिम्मत हार जाते हैं। दोस्तों, बहादुरी सीना तान कर चलने का नाम नहीं। बहादुरी का ये भी मतलब होता है कि अगर आप पूरी कोशिश के बावजूद भी नाकाम हो जाओ तो वो अपने आप से ये कह सको, कल फिर ट्राई करूँगा, मैं हार कर भी हार नहीं मानूंगा, कुछ भी हो जाए मैं कामयाब होकर दिखाऊंगा। खुद पर यकीन रखता है, भरोसा रखता है। दोस्तों, कामयाबी हासिल करने के लिए आपको हमेशा अकेला ही चलना पड़ेगा। के पास अकेला चलने का हौसला होता है, एक दिन उन्हीं के पीछे ही काफिला होता है। दोस्तों, दूसरों के अंदर खामियां ढूंढना बंद करो। अगर आप कामयाब होना चाहते हैं तो अपनी खामियां पर नज़र रखो, अपनी खामियां दूर करो, और इंशाल्लाह एक दिन आपको मंजिल ज़रूर मिलेगी, आप कामयाब हो जाओगे। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दें, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, और अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए और अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।